दोस्तों आज का मेरा स्ट्रगल ये है कि मैं बारिश में जा रही हूँ बेसन लेने रोड में, क्योंकि अचानक क्या सबका पकौड़े खाने का मन इस बारिश के मौसम। बोल सकते तो बोले ध्रुवी की टोकरी में सो रहे थे, ध्रुवी ने फेंक दिया रो रहे थे। हमने काफी टाइम बाद बनाई पूरी और कन्नू जी के लिए बन रखी है रोटी और साथ में भिंडी की सब्जी, साथ में दाल। प्यारी प्यारी बच्ची और जोर से और हमें खाना मार दो। इसको ना इसको इतना टाइम हो गया मेरे साथ, लेकिन मजा है ये मेरे साथ, आदत पड़ी हो उसकी, मानने आती है मेरे को अभी तक ही। 2 साल हो गए शादी को लेकिन ये मेरे को अभी तक मानने आती है। तो आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी, आज सुबह अच्छे होंगे, मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत आज मेरे ही कमरे से हो रही, क्योंकि आज मैं लगी हुई थी यहाँ कुछ, मेरे तो कपड़े ही नहीं संभलते, पता नहीं क्या दिक्कत है इस कमरे में। मैं चाहे कितने कपड़े भी संभालू दूसरे दिन धो के फिर वैसे ही हो जाते हैं। अभी ध्रुवी मेरे साथ था, आज देखो इतनी गर्मी से हो रही थी कि हमने पंखा चला दिया था थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। वैसे फैन वगैरह यहाँ पे हम चलाते नहीं है, पर ये कमरे तक जाते हैं ऊपर वाले, सीमेंट वाले कमरे तक जाते हैं। तो चलो नीचे चलते हैं, नाश्ता बन चुका है नीचे, सब आज आ चुकी है कि नाश्ता करने आ जाओ, तो नीचे चलते हैं। अभी तक ध्रुवी भी था मेरे साथ, लेकिन बीच मैंने ये चलाया था ना स्पीकर चलाया, वो डर गया एकदम से, उसके बाद वो रहा ही नहीं यहाँ पे। मैं उसी के लगा रही थी, मैं कहा चला खुश हो जाएगा थोड़ा सा और खेल लेगा, लेकिन उसे पसंद नहीं आया शायद, वो नीचे से अपने उसके दादू आए और दादू के साथ नीचे चला गया। अभी मैं अभी चलती हूँ और अभी रोटी और हरी सब्जी बन रखी है, राई की हरी सब्जी, मूली के पत्ते की पता नहीं किस चीज़ की सब्जी है, लेकिन हरी सब्जी है। और हरी सब्जी आपको पता है बहुत अच्छी होती है, बहुत सुबह सुबह के टाइम पे तो और भी अच्छी। और आज मेरे को ना राजमा चावल खाने की क्रेविंग हो रही है, तो मेरे को सवेरे ही पता चल जाता है कि आज क्या बनाना है। मैंने फिर ज़्यादा लंबा वो नहीं रखती, गैप रखती, मैं डिसाइड कर लेती हूँ बहुत जल्दी। आज हम बनाएंगे राजमा चावल। तो गाइस आज हमारे यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है, यहाँ देखो मैं बेड में बैठी हुई हूँ। तो आज हमने यहाँ पे ये मम्मी और पापा का बेड है, इसमें मम्मी पापा के कपड़े रहते हैं, तो यहाँ देखो सारे कपड़े बाहर निकाल रखे हैं और पता भी नहीं चला इतने सारे कपड़े हो गए हैं, पता नहीं चलता कहाँ से आ जाते हैं। और ये देखो मुझे आज वाली शर्ट मिली जो मैं पापा के लिए लेके आई थी, पापा ने अभी तक डाली नहीं है और अब डालेंगे, कैसे सर्दियों में डालेंगे, बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये शर्ट, अब राहुल के ही काम आएगी राहुल डाल देंगे पापा से पहले ही। तो चलो देखते हैं कब तक होता है ठीक। और ध्रुवी सो गया है, ड्रेस पर सबसे अच्छी बात ये होगी कि ध्रुवी सो गया, नला धुला के उसको सुला दिया मैंने ताकि अब हमारा काम आराम से हो सके। तो अब हम ही हैं, पापा कन्नू और मैं ही हैं, हम ये कमरा साफ कर रहे हैं। तो ध्रुवी के अंदर अपने चाचा का कितना खौफ आ गया अभी से, यहाँ देखो मौसम खराब भी हो गया तो मस्त मौसम हो गया। ए दादी शनी क्या कर रहे हो आप चुप में, कैसे इग्नोर करते हो यार, जैसे ये पता नहीं जैसे दूध में से मक्खी को निकाल दो ऐसे निकाल देते हैं मेरे को। ध्रुवी सिंह मजा आ रहा है, चल गंदा बच्चा। किसका बच्चा, दादू का, दादू का नाती है, आए आए दादू वाले, आए दादू वाले, आए दादू वाले, गंदा बच्चा, गंदा गंदा बच्चा, गंदे बच्चा आप गंदे। बाय शोर में जा रही हूँ ठीक है, बाय बाय लड्डू। अपनी दादी को देखने लग गया, बाय चलो हाथ दे दो, थैंक यू। बाहर निकालो। चाय हमारी बन चुकी है और मैं यहाँ पे बिस्किट लेने आई थी, लेकिन मुझे एक चीज दिखी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ अपने घर का सीक्रेट, मजाक कर रही हूँ। खैर ये देखो ये केले रखे हैं ना इसमें पकने के लिए, ये केले पकने लग गए हमारे यहाँ पे, कच्चे केले तोड़ के ना इसके बाद धान के अंदर रख देते हैं ऐसे, तो केले पकने लग जाते हैं, ये तो पक भी गया और अभी देखते हैं चलो तब पकेंगे, जब पक जाएंगे मैं आपको दिखा दूंगी ठीक है। तो भाई चल मेरा उल्टा उल आधे बाय बाय बाय, आराम से मत उड़ उड़ा उड़ा के जा रहा हूँ, देखो
ध्रुव ले आ, ले चीजी 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 चीजी। अभी देख नहीं रहा इसका फोकस दादी पे। छू ना ले चीजी। अच्छा अच्छा, आराम से आना, उड़ाना नहीं, आराम से आए। अब होना जवा कुछ कर रहा भाई। छू ना जाले वहां। क्या खा रहे आप? जा जाओ खेल लो। वो तो यार भाग रहा होगा, रेस लगा रहे हैं। यहाँ पे मेरा भी ब्लॉग देख रहे हैं। ब्लॉग देखते देखते ब्लॉग रखने का शायद ब्लॉग रखते रखते वो चाय पी रहे हैं सारे के सारे। तो थैंक यू सो मच, चाय पीते हम लोग भी, आ जाओ आप लोग भी। चाय हमने पी लिया और आज हमारा प्लान था कि खेत जाएंगे, लेकिन शायद मौसम भी नहीं चाहता मैं खेत जाऊँ। तो मैं खेत जाने वाली थी आज, क्योंकि हमने गुडाई उडाई स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब एकदम से मौसम ऐसा हो गया ना, मतलब बिन बुलाए मौसम हो गई, बिन बुलाए बारिश हो गई है। तो यहाँ पे मौसम देखो आप, देखो कैसा हो गया, एकदम से हवा चलने लग गई है और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो गया। ऊपर को बारिश आने वाली शायद, वहाँ से वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हो गया उस साइड को। मम्मी आपको उड़ गया, उड़ गए सारे उड़ गए। क्या कह रही मम्मी आपको? डांट रही है। बाय सोना, बाय तूफान, इसी वाले कमरे में ले जाओ उसको। काम काम, आपका कितना काम होता है, आपका काम खत्म कब होगा? जब जब ये दुनिया में नहीं रहेगा तब तक काम होता रहेगा। दादी बिल्कुल नहीं बैठती, दादी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहते। दादी को मना भी करो तब भी लोग बोलेंगे, तब काम करवा रहे दादी से। हाँ भाई सच में, ये आप खा लो भाई। कब मैं खाएगा बा? अब वो घर से कैसे लेके जाऊंगा इसको। थैंक यू, बाय दादी, बाय। तो चलो नीचे चलते हैं, और ऊपर क्योंकि काफी हवा चल रही, तो ध्रुवी के साथ नीचे रहना पड़ेगा। नीचे कम चलती हवा ना, नीचे पता नहीं चलता इतना, ऊपर ज्यादा तेज हवा चलती है। कन्नो चाय पी ली बेटे, हाँ जा रखे थे आप? आज ताऊ जी की मीटिंग थी। सो कैसी रही मीटिंग? शानदार, मजा आया? नहीं लगी? खाना पीना तो इरा हुआ, प्रोटीन चिल्ली बनी हुई थी वहाँ पे। आप तो, आपने तो खाया नहीं होगा? खाया मैंने, खाया 50 रुपए की प्लेट थी फर्स्ट क्लास। अच्छा फिर वो आरसीएम का? हाँ प्रोटीन चिल्ली। ठीक है ठीक है, चिकन चिल्ली से बढ़िया होता है। वो जो आप लेके आते हो वो तो खाली प्रोटीन है, चिकन चिल्ली बनाने वाला आ रखा था। हाँ बना के रखे थे पतीले में, उन्होंने अलग ही मजे का बना रखा होगा। नहीं चलो सही टाइम पे घर आ गए, मौसम बिगड़ गया क्योंकि मौसम खराब हो गया, चमदार में बहुत हवा चल रही। तो मौसम बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो गया, तो सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। हाँ पहले इसको चूल्हे खोल देते ना, तो यहाँ पे चूल्हा वगैरह है, इसको इसकी राख कहाँ डालो? तब मैं डाल देता है इसी में डालो। चूल्हा तो मैंने संभाल लिया, गोबर इकट्ठा करना थोड़ा सा। दादी इसको कहाँ रखना है? रखो मैं वो झाड़ू डाल देती हूँ उसको। मैंने गोबर में डाल दिया, मम्मी ने कहा था गोबर में डाल दो, तो अब थोड़ा सा गोबर इसको इकट्ठा करना है। तो हो गया इकट्ठा, लेकिन दादी क्या बोलते हैं, लकड़ियां नहीं क्या नीचे से? जब बारिश आती है ना तो ऐसे ही काम बढ़ जाता है, इतना सारा काम फैला पड़ा होता है। सवेरे देखो कोई वो नहीं था बारिश का कि बारिश होगी, और ऐसी मौसम धोखा देता है कसम से। जब काम ऐसा बिखरा पड़ा होता है ना, तब ज्यादा वो हो रखा होता है। तो चलो इस घास को नीचे फेंक देते हैं। ये लेने नहीं आया कोई? रेस्ट दिन में इसको चावल दिया था, मुझे पता चला ही होगा। आजा पुत्र आजा, पीछे पीछे आजा, भैंस मारेंगे देखो नीचे मत आ। तो अब नीचे घास फेंक तो दी है, उसको संभालते नीचे घास वैसे बिखर गई और भैंस के आगे है मुझे। कैसी ना, आप बताना चाहोगे आपको कैसा लग रहा बारिश के आने से? बताओ कैसी ना,
आप बताना चाहोगे आपको कैसा लग रहा बारिश के आने से? बताओ शरीफ है, मतलब घर वालों के लिए शरीफ है लेकिन मेरे लिए शैतान है शैतान। मैं उसको चाहे इतना प्यार भी करूँ चाहे कुछ भी करूँ ऐसा से मुझे मान जाएगी। पता नहीं क्या है इसका। चलिए मैं कर देती हूँ साफ, आप वो पिजा लो, मैं कर देती हूँ साफ, आप भैंस पिजा लो। अंदर जा तू, मैं यहाँ पे सफाई करती हूँ फटाफट। ये पूरा गंद दिख रहा हुआ है, फटाफट इसको संभालते हैं। आज का मेरा स्ट्रगल ये है कि मैं बारिश में जा रही हूँ बेसन लेने रोड में, क्योंकि अचानक क्या सबका पकौड़े खाने का मन इस बारिश के मौसम में, और घर में देखा तो बेसन खत्म था। फिर मैंने सोचा आजकल तो पकौड़े बनाने के लिए प्याज आलू बहुत सारे हो रखे हैं, तो एक काम करती हूँ, मन क्यों मारे है ना, तो ऐसे मन नहीं मानना चाहिए, जब मन है तो खाओ पियो ऐश करो, जब वैसे भी मोटा मोटा तो होना नहीं है, जितना मर्जी खाओ तो मजे से खाओ। तो चलो चलते हैं बेसन लेने, और मैंने सोचा कि पता मुझे कोई मिल जाए, लेकिन मुझे कोई नहीं मिल रहा आज, बारिश में कौन ही रहेगा है ना। और पता चलेगा कि ऐसा, अगर मुझे ऐसा पता चलेगा कि वहाँ अभी बेसन लिया है दुकान में भी, बहुत बड़ा पोपट होगा मेरा। तो चलो फिलहाल चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर, और यहाँ तक तो रास्ता ठीक ही लगता है, लेकिन यहाँ से आप बताते यार ये वाला रास्ता सच्ची ये ऊपर तो जाता है। दुकान पे नहीं मिला, दो दुकान पे नहीं मिला, तीसरे दुकान पे मेरे को जाके मिल गया, खुला मिला पर पैकेट तो नहीं मिला, बट मुझे खुला ही ठीक लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों लगता है मुझे भी नहीं पता। तो खुला मिल गया था, साथ में मैं अब जब जा ही रखी थी तो मैगी भी ले आई, मैंने कहा क्या पता अचानक मैगी खाने का मन कर गया किसी का, पैसे बचे हुए थे। और ये क्यों आ गया, तो घूम कहाँ रहा है अभी, पता नहीं कहाँ घूम रहा है इसका पता नहीं चल रहा, सारे इसको बेचारे को अपने अपने घर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो लोगों को जानवरों पे तरस भी नहीं आता ना, पता नहीं क्यों है लोग सारे के सारे ऐसे। मेरी तो मजबूरी है, मैं तो नींद नहीं रख सकती, क्योंकि डिसीजन मेरा नहीं होगा, मेरे सास ससुर का होगा, अगर मैं रखने को तो मैं रख भी दूँ, लेकिन मम्मी पापा ही नहीं चाहेंगे तो कैसे रख सकते मैं ना। और जो अकेले अकेले वो तो रख ही सकते हैं, मैं अकेले अकेले होते तो मैं रख लेती। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, और फटाफट पहले मम्मी और ने मेरे को बोला था अगर बेसन मिल जाएगा तो तुरंत कॉल करना, हम आलू प्याज वगैरह काट के रखेंगे तब तक। चलो बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात नहीं, बैंगन नहीं बोल सकते, बोला ध्रुवी की टोकरी में सो रहे थे, ध्रुवी ने फेंक दिया रो रहे थे। ले इसको प्यार करो, प्यार कर दो, ध्रुवी ने प्यार किया हंस रहे थे, सुनिया सुनिया रे दोस्तों, आलू तो मैंने काट दिए हैं पकौड़े के लिए, और ये देखो यहाँ पर रखे हुए हैं, तो अभी बनाए नहीं क्योंकि अभी भाभी आ गई थी बैठने के लिए, तो उनके साथ बैठ गए थे हम, वैसे ही गॉसिप में लग गया, आपको पता है जब लेडीज बैठ जाते हैं तो टाइम का वैसे पता नहीं चलता,
मेरा प्लान अब ऐसा कुछ है कि पहले मैं सब्जी बना देती हूँ, सब्जी में बनाऊंगी भिंडी की, तब उसके बाद अब ऐसा है कि जब पकौड़ी बना ही रहे हैं तो एक साथ साथ पूरियां भी बना लेते हैं, तो साथ में पकौड़े और पूरियां बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जी बना देती हूँ जब तक मम्मी आती है, फिर उसके बाद बनाऊंगी पकौड़े और पूरी। मेरा हाथ भी कट गया आज थोड़ा सा, उससे काटते टाइम। यार गैस वैसे चूल्हे पे खाना बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन एक आफत है, बार बार जो आग घुसती रहती ना, इसे देख के मेरे को वो है। चलो आग भी जली जाएगी, लेकिन धुआं ना, आज बाहर हवा चल रही, तो जिस दिन बाहर हवा चल रही होती है आपको पता होगा कि जो चूल्हे में काम करता है उसको पता होगा कि धुआं अंदर को आता है बाहर को जाने की वजह, तो यहाँ पूरे कमरे में धुआं 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 हो गया है। पर चलो मेरे इतने पकौड़े बन गए, हमारे डिनर भी तैयार हो चुके हैं, पापा तो खाने भी लग गए। सबसे पहले पापा और दादी शुरू कर रहे हैं। तो कैसा हो रहा है पापा? बढ़िया हो रहा है ना, काफी टाइम बाद खाओ, कोई चीज अच्छी लगती ना। तो कैसा हो रहा है पापा? बढ़िया हो रहा है ना, काफी टाइम बाद खाओ, कोई चीज अच्छी लगती ना। क्योंकि इसको जुकाम हो रखा है इसलिए ये नहीं खाएगा, और थोड़ा सा डाइट पे भी एक कर इसलिए खैर बोलने की बात है, उसकी तबीयत मतलब थोड़ा जुकाम वगैरह हो रखा है इसलिए अवॉइड कर रहा है इस चीजों को, इन चीजों को जो तली तुली तिलका सी चीजें हैं, तिलका सी चीजें हैं, मेरा मुंह खुद रिबड़ा रहा है। तो चलो दोस्तों हम भी खाना खाते हैं, और आज तो वैसे भी संडे है तो कुछ नहीं आ रहा टीवी में, बस ऐसे ही चला रखी है, तो इसी को देख के खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ।